वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। तो आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी में कहाँ पे मूवमेंट हुआ था और कल के दिन हम लोग क्या प्लान करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आज का ट्रेड बता दूँ आपको। तो जैसे कल के मार्केट एनालिसिस में मैंने बताया हुआ था कि अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन या फ्लैट होके सेकेंड हाफ में अगर ब्रेक करता है नीचे एक साइड में, तो एक अच्छी खासी मोमेंटम आ सकती है। तो आज देखेंगे तो कहीं देखिए मार्केट एक गैप डाउन कंडीशन में यहाँ पे ओपन हुआ है और जो मैंने रेंज बताया हुआ था 45,400 या 500 के रेंज में ओपन होता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग को एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं जगह मार्केट इस रेंज पे खुला था यहाँ पे कहीं, और उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। और पहले तो इसने एक यहाँ पे हाई लगाया, हम लोग यहाँ पे वेट किए थे, और देन जब इसने एक रेंज बनाया यहाँ पे आप देखेंगे तो उस रेंज को ब्रेक किया यहाँ पर, और उसी की ब्रेक यहाँ पे एक बड़ी यहाँ पे बैरिश कैंडल बनाया और इसी की बेस पे हम लोग ने एक ट्रेड बनाया और अपना SLM हम लोग ने इसके ऊपर सेट किया था। और टारगेट मैंने यहाँ पे राउंड लेवल जो था 45,000 का, वहाँ पे मैंने इसको सेट किया। अब देखेंगे तो स्लो एंड स्लो यहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोग को रैली देखने को मिला, उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइड वेज था, देन वापस से ब्रेक किया था और फिर एक अच्छा खासा यहाँ पे आप देखेंगे तो राउंड अबाउट 44,700 नियर अबाउट यहाँ तक का मार्केट लो दिखाया है। बट हमारा टारगेट यहाँ पे डन हो चुका था, जिसमें एक अच्छा खासा हमारा मॉर्निंग में ही प्रॉफिट हो चुका था गाइस। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि कल के दिन क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं और कल के दिन कहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके ड्राइंग को रिमूव कर ले रहा हूँ। ओके, ड्राइंग को रिमूव करके मैं यहाँ पे डेली कैंडल में सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। डेली कैंडल में आप देखेंगे तो ये एक यहाँ पे तीन दिन से कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और पहले से एक यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिंग का मोमेंटम आ चुका था, एक्सेप्टेड था कि कल के दिन मैंने बताया था अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो ऊपर की साइड रैली कर देगा और अगर अदरवाइज गैप डाउन या फ्लैट होकर नीचे जाता है तो एक नीचे की साइड पर हम लोग को अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। और आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पर हम लोग को ट्रेड भी बना। अब कल के दिन क्या हो सकता है, आज इतनी बड़ी मोमेंटम किया है तो कल के दिन एक्सेप्टेड है कि मार्केट ना नीचे तो जाएगा बट यहाँ पे हो सकता है कि डाउन ट्रेंड टू साइडवेज यहाँ पे आपको मार्केट देखने को मिल सकता है। तो हम लोग एक बार एग्जैक्ट 50 मिनट कैंडल में देख लेते हैं। ओके, 50 मिनट कैंडल में अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आज के दिन जो इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया है तो वो कुछ इस लेवल पे क्रिएट किया है यहाँ पे, और ये लेवल था यहाँ पे एक सेलर, यहाँ पे सेलर का यहाँ पे लेवल था जो इस लेवल पे सेलिंग है। आप देखेंगे तो यहाँ से एक पुल बैक लेके देन कंटिन्यू किया और ये लास्ट आवर में आप देखेंगे तो एक यहाँ पे रिकवर करने का यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया बायर्स ने। तो अभी के लिए अभी यही ये एक हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट बना है। अगर मार्केट कल इसी रेंज पे ओपन होता है यहाँ कहीं पे और देन यहाँ पे सेकंड वेट करता है और नीचे ब्रेक करेगा तो हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग के साइड में जा सकते हैं। बाइंग के लिए तभी जाएंगे जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता। अगर इसके ऊपर भी अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है इस रेंज में और टाइम आवर करके ऊपर करता है तो भी हमारे पास एक रजिस्टेंस रहेगा जो 45,400-500 का एक राउंड लेवल रहेगा। अब हम लोग बाइंग के लिए तभी प्लान करेंगे जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक ना करे जो हमारे पास 45,600 का यहाँ पे लेवल आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तभी हम लोग एक अच्छा बाइंग का प्लान करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे मार्केट कल के दिन साइड वेज टू डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा कम क्वांटिटी रख के हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी की। निफ्टी में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था आप देखेंगे तो, और इसमें अभी हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं तो अभी भी आप देखेंगे तो सेलिंग कुछ इस लेवल से सेलिंग आया हुआ है तो अब इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तभी हम लोग को एक अच्छा बाइंग देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे एक मार्केट कल के दिन अगर इसके ऊपर निकलता है तो शॉर्ट बाइंग देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट इस कंडीशन में यहाँ पर ओपन होना चाहिए और यहाँ पर सस्टेन करके ब्रेक करना चाहिए, देन एक यहाँ पर छोटा मोमेंटम यहाँ पर मिल सकता है। सेलिंग के लिए हम लोग यहाँ पर तब जाएंगे जब मार्केट यहाँ इसके नीचे कहीं टाइम आवर करके ब्रेक करेगा 19,440 यहाँ पे 430 के नीचे निकलता है तो फिर हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की गाइस। ओके, फिन निफ्टी में भी देखेंगे तो सेम बैंक निफ्टी जैसा ही किया हुआ है और जैसे इसमें मैंने बताया हुआ था कि इसमें एक रेंज भी चल रहा था।
और रेंज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का प्लान था कि अगर मार्केट कल इसी रेंज में खुलता है और टाइम आउट करके नीचे जाता है तो हम लोग सेलिंग करेंगे, अदरवाइज गैप डाउन होता है तो कंटिन्यू सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। बाइंग के लिए तब जाएंगे जब मार्केट इसके ऊपर निकल लेगा। तो यहाँ पे बाइंग के लिए तो हम लोग को नहीं मिला, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आज देखने को मिला है। अब कल के दिन हम लोग इसमें क्या प्लान कर सकते हैं, तो कल के लिए हमारे पास अब ये एक रहेगा आपका रजिस्टेंस यहाँ पर काम करेगा अगर नीचे से मार्केट ऊपर के लिए जा रहा है। अब मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तब बाइंग मोमेंटम ले लेगा और सेलिंग के लिए हम लोग इसके नीचे प्लान करेंगे। और बाइंग के लिए यहाँ पे शॉर्ट बाइंग देखने को मिल सकता है इस रेंज के ऊपर, अगर मार्केट कहीं इस कंडीशन में यहाँ ओपन होता है और थोड़ा सा टाइम आउट करके ऊपर निकलता है तो शॉर्ट बाइंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक यहाँ पे पहले ये सपोर्ट लेवल था जहाँ से ऊपर गया था मार्केट और अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। तो यहाँ तक का बाइंग एक मोमेंटम कल के दिन मिल सकता है, अदरवाइज यहाँ पे मार्केट कल डाउन ट्रेंड टू साइड बेस हो सकता है तो कल थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे गाइस। तो आज के लिए गाइस इतना ही, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।